कोर्ट के अंदर सुनवाई आराम से सेटल हो जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, कोई बात आप बताओ। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को, देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है, आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5-6-7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए यही निवेदन किया गया ऑर्डर में, जो वर्ड है जितना हमें पता चला है वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें, जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। तीन बार डेफर करवाया जा चुका है, बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो, इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है, तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है, पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर कि जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए।